हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। दिस बिलारा सिंह, थर्ड ईयर स्टूडेंट बिहार वेटरनरी कॉलेज पटना। बिहार में जो बीसीसी की काउंसलिंग चल रही है, बहुत सारे लोग जो है कॉलेज ले चुके हैं। फर्स्ट राउंड हो चुकी है, सेकेंड राउंड भी हो गई। सही, सेकेंड राउंड की आज जो है जो लोग को भी सीट अलॉट हुआ है तो उसका आज लास्ट डेट था। तो होप तुम लोग सब एडमिशन ले ली होगी, अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वेरीफाई करा करके अपग्रेड वगैरह तुम कर लिए होगे। ठीक, तो अब आगे का क्या है? मतलब मॉप अप राउंड होना था, सेकेंड राउंड के बाद जनरली मॉप अप राउंड होता है, तो मॉप अप राउंड नहीं हो रहा है, ये थर्ड राउंड हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है थर्ड राउंड। तो क्या है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो, जो लोग भी जिसको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया है, एडमिशन ले लिए हो, अपग्रेड कराए थे, फिर सेकंड राउंड में कॉलेज लिए, ठीक, अब और अपग्रेड करा करके कुछ भी तुमको कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है, कॉलेज अलॉट हो गया, तुम वापस से अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई वगैरह भी करा लिए, एडमिशन भी ले लिए, तो ठीक। जो लोग एडमिशन ले लिए, अपना एडमिशन लेकर के खुद से, उसको कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तुम एग्जिट हो गए। बट जो लोग किसी भी वजह से, मतलब टाइम, एक फिक्स टाइम के ड्यूरेशन में वो एग्जिट हो गए हैं, ठीक है, फर्स्ट राउंड में एग्जिट हो गया या सेकंड राउंड में एग्जिट हो गया, ठीक, वो सारे बच्चे जो है ना, अभी जो मॉप अप राउंड होती है सेकंड राउंड के बाद, मॉप अप राउंड होती है बिहार में, ठीक है, तो बिहार में मॉप अप राउंड नहीं हो रहा है इस बार, थर्ड राउंड हो रहा है, थर्ड राउंड हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। ठीक, तो ऑनलाइन में जो लोग भी, मतलब किसी वजह से अगर तुम रिजाइन ले ली हो या जो भी, ठीक, तो वापस से तुम इसमें ये कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, वापस से तुमको ₹1200 फीस लगेगा, वापस से रजिस्टर कर करके पार्टिसिपेट कर सकते हो थर्ड राउंड में, ठीक है। और जो लोग भी सेकेंड राउंड में अपग्रेड कराए हैं थर्ड राउंड के लिए, तो वाप उसको कोई दिक्कत नहीं, वापस थर्ड राउंड में अपग्रेड होगा, उसको तुमको कॉलेज जो भी अलॉट होगा तो वहाँ जाना होगा तो जा सकते हो, नहीं तो जो मिला है उसी में रह के खुश हो सकते हो, ठीक। और ये अब कुछ बच्चे हैं जी कि जो रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराए, जो मॉप अप राउंड का वेट कर रहे हैं, तो उनका क्या? तो देखो, जो लोग भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराए थे, मतलब फर्स्ट राउंड में, जो फर्स्ट राउंड के टाइम में जो रजिस्ट्रेशन हो रहा था उस टाइम में नहीं रजिस्ट्रेशन करा पाए थे या नहीं कराए थे, इसका वेट कर रहे थे मॉप अप राउंड का, तो मॉप अप राउंड जो होगा या नहीं होगा वो अभी पता नहीं है, अभी उसकी नोटिस आएगी बाद में मे बी, बट अभी जो थर्ड राउंड होगा ना तो उसका नोटिस निकलने वाला है, उसका नोटिस अभी नहीं निकला है, उसका नोटिस आएगा। और ये थर्ड राउंड में जो लोग, जिनको भी कॉलेज नहीं मिला है, ठीक, वो तुम मतलब रजिस्ट्रेशन कराए थे, फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किए, सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किए, नहीं किए, इससे कोई मतलब नहीं है। सब जो लोग भी, मतलब जो किए थे वो भी, जो नहीं किए थे वो भी, फ्रेश रजिस्ट्रेशन इस थर्ड राउंड के लिए होगा। अभी नोटिस नहीं आया, नोटिस आने वाला है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, MBBS में या BDS में या वेटनरी में कहीं भी, तो ये तुम्हारे पास आखिरी मौका हो सकता है। तो रजिस्ट्रेशन का जो जैसे ही नोटिस आएगा तो मैं बता दूंगा, तो नोटिस जैसे ही आएगा उस बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और फिर सारा अपना चॉइस वगैरह फिल कर सकते हो, ठीक है। और जिन लोगों को भी, जो लोग पहले से रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, तो वो वापस से इसको मतलब वापस से अपना लॉगिन करेगा और रजिस्ट्रेशन वगैरह, अगर उसको मांगेगा कि वापस से कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, तो वापस से रजिस्ट्रेशन तुम लोग जो भी लोग एग्जिट हो गए थे पूरी तरीके से, तुमको वापस से फ़ीस भी देना पड़ेगा ₹1200, और न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये थर्ड राउंड के लिए था, और नोटिस अभी आने वाला, नोटिस नहीं आया, मैं जा कर के बात किया था तो बोला कि अभी नोटिस आने वाला है, नोटिस रिलीज़ नहीं किया है, ठीक। और इसके बाद भी मॉप अप राउंड होगा या नहीं, ये थर्ड राउंड है, थर्ड राउंड के बाद भी मॉप अप राउंड होगा या नहीं, तो इसका है ना अभी कुछ भी कन्फर्म नहीं है, बट मुझे लगता है इसके बाद जो है ना मॉप अप राउंड भी होगा, क्योंकि ऐसा ये कोई ज़रूरी नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये थर्ड राउंड जो है इसमें पूरा सीट जो है MBBS का हो या वेटनरी का या BDS का फिल होगा, ठीक है। मॉप अप राउंड भी होगा और इस थर्ड राउंड के बाद होगा मॉप अप राउंड, हो सकता है, ठीक। आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट, बट मुझे लगता है कि होगा, ठीक है। और फिर कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि किशनगंज वेटनरी कॉलेज का क्या हुआ, तो देखो, किशनगंज वेटरनरी कॉलेज का है ना, अभी भी तुमको ऑफिशियल नोटिस इसका कुछ नहीं आया है, कहीं भी नहीं आया है, बट इसका जो एकदम ऑथेंटिक सोर्स है हम पता किए, जो यहाँ पे यहीं से रेगुलेट होता है, ठीक। तो मैं सर से बात किया था, तो वो बोले हैं कि मॉप अप राउंड से होगा, ठीक। और अगर मॉप अप राउंड ख़त्म भी हो गया मान लो, तो वापस से उसको एडमिशन कराने के लिए वापस से मॉप अप राउंड, ऑफलाइन मॉप अप राउंड भी कराया जा सकता है, ठीक है। मॉप अप राउंड अगर हो भी गया तो भी वापस से, मतलब सेकेंड मॉप अप राउंड तक भी हो सकता है अगर, लेकिन उसमें एडमिशन होगा ऐसा सर ने बोला है, ठीक है। मैं इस बात की गारंटी नहीं ले रहा हूँ, जो मैं पूछ के आया हूँ वो बता रहा हूँ तुम लोगों को। और ये पेपर पे अभी तक नहीं आया रिटर्न में कि हाँ इस बार से पक्का 100% एडमिशन होगा ही, बट मुझे लगता है कि 99% है, क्योंकि कॉलेज पूरी तरह से रेडी है, हर चीज़ के लिए रेडी है, तो 99% चांस है कि किशनगंज में भी एडमिशन होगा वेटनरी के लिए इस साल, ठीक है। वो भले ही मॉप अप राउंड में हो, थर्ड राउंड में भी नहीं हो, मॉप अप राउंड वापस से होगा तो उसमें हो में भी, बट होगा उसमें। अब तो जो लोग
वेट कर रहे हो वेटनरी में एडमिशन लेने के लिए, तो तुम लोग से मैं ये बोलूँगा कि अपना है ना प्रिपेरेशन जारी रखो, उसको स्टार्ट करो, क्योंकि टाइम बहुत ये हो रहा है, बहुत टाइम निकल रहा है ना। तो अगर प्रिपरेशन करते रहोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, है ना। और जो मॉप अप राउंड हुआ तो कॉलेज मिला तो ले लो ना अपना एडमिशन, ले ना, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, प्रिपरेशन कंटिन्यू रख सकते हो ना, ऐसे में तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। ये बीसीए की काउंसलिंग इतनी लेट क्यों हो रही है? तो देखो, इसका कुछ भी नोटिस अभी तक पता नहीं चल रहा है, उसकी वेबसाइट पर जाकर मैं देखा हूँ, ठीक है। तो इसकी दो वेबसाइट है, एक bci.admission.in करके, एक DADF करके। तो DADF वाला तो ओपन ही नहीं हो रहा है, admission.in पर एक ही वो इन नोटिस लिखा रहा है कि कमिंग सून, कमिंग सून, नोटिस कमिंग सून, ऐसा लिखा रहा है, और अभी तक कुछ नहीं आया है, आज भी नहीं आया, अभी तक नहीं आया। बट ऐसा नहीं है कि नहीं होगा काउंसलिंग, काउंसलिंग होगा। ऐसा 2020 में भी हुआ था, 2020 में भी सारी काउंसलिंग हो गई थी, बहुत लेट आया था, बहुत ज़्यादा लेट आया था, है ना। तो काउंसलिंग होगा, उसका नोटिस भी आएगा, तो तुम लोग वेट करो। ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो होगा लेकिन लेट से होगा। और तुम लोग से यही बोलूँगा कि जो लोग भी, जिसके भी अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है, जो 100% डिटरमाइन हो गया हो कि नहीं मुझे वेटनरी लेना है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वेट करो, बीसीए की काउंसलिंग होगी और तुमको मिल जाएगा आराम से। बट जो लोग भी लगता है कि बॉर्डर पर हो, तुमको मिल सकता है या नहीं मिल सकता, ऐसा है, तो तुम लोग को मैं ये बोलूँगा कि तुम अपना प्रिपेरेशन है ना स्टार्ट कर दो, और स्टार्ट कर दो। काउंसलिंग जैसी होगी तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, कॉलेज मिलना होगा तो बहुत अच्छी, फिर तो तुम्हारा मतलब विश पूरा हो गया, नहीं तो तुम्हारा ये जो है ये तो स्टडी तो जारी रहेगा ना। और कुछ ऐसे भी बच्चे मुझे मतलब कॉल किए, मैसेज किए भी इंस्टाग्राम पे कि भैया ये मॉप अप राउंड में मुझे मतलब कुछ लोग हैं ना खुद से काउंसलिंग नहीं करा रहे हैं, बहुत लोगों को दिक्कत होती है, नहीं समझ में आती, खुद से करने में डर लगता है, और ऑब्वियस भी है ना, काफ़ी चीज़ें मतलब इतना प्राइवेट में जो भी लोग एडमिशन ले रहे हैं तो इतना इतना पैसा लगता है, तो रिस्क भी होता है, तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो काउंसलर लेना कोई बुरी बात नहीं है, ले सकते हो, बट कुछ काउंसलर ऐसे लोग हैं जो फर्जी काम कर रहे हैं, कुछ पैसे मांग रहे हैं तुमसे कि 1 लाख रुपये दो एक्स्ट्रा या 1-1.5 लाख लिख दीजिएगा तो हम राउंड टू में करवा देंगे, या मॉपअप राउंड में आपका पहले नंबर पर आ जाएगा। तो ऐसा ये सब कुछ भी नहीं होता है, या तो तुमको गवर्नमेंट सीट मिलेगा, अगर तुम्हारा अच्छा नंबर है तो गवर्नमेंट सीट मिलेगा, ठीक है, किसी काउंसलर का बाप का नहीं है कि वो तुमको पैसा ले करके दे देगा, ऐसा रहता ना 1-1.5 लाख रुपए, तो यहाँ पे बहुत सारे लेने के लिए तैयार है, 1 लाख या 10-10 लाख रुपए दे करके लेने के लिए तैयार है लोग, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा फर्जी चीज़ें हैं। या तो तुमको गवर्नमेंट सीट मिलेगा, और जो तुम्हारा नंबर आया उसके बेसिस पे तुमको मिलेगा, ठीक है, और या फिर तुम प्राइवेट सीट ले सकते हो, और कुछ नहीं होता है कि हाँ पैसा लेकर के ये सब, ऐसा कुछ भी नहीं होता ये सब। तो कोई काउंसलर ऐसा बोल रहा है तो उन लोग से बच के रहो, ठीक। और हाँ, अगर तुम लोगों को एकदम लगता है कि नहीं हमको काउंसलर की ज़रूरत है, ऐसे नहीं कर पाओगे, तो एक पूरा बिहार में सबसे अच्छा नंबर वन काउंसलर है, वो पिछले 12 साल से काउंसलिंग करा रहा है ऑल ओवर इंडिया। तुमको कहीं भी एडमिशन लेना है, MBBS में, BMS, BHMS या फिर वेटनरी में, किसी में, तो तुम कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका नंबर डाल दूंगा, और गूगल फॉर्म भी है तो उसको भी फिल करके तुम कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तुमसे ऑटोमेटिकली मतलब उसको कॉल करोगे ऑटोमेटिकली वो तुमसे कॉन्टैक्ट कर लेगा। तो उसका पूरा ऑल इंडिया में मतलब बहुत सारे लोग हैं, पर हर जगह कॉन्टैक्ट है। मैं पर्सनली गया था यहीं बोरी रोड में, उनका ऑफिस भी है, पटना में ही है, पटना में भी उनका ऑफिस है, तो काफ़ी ऑथेंटिक, अच्छा है। और तुम तो उनको मतलब काउंसलर अगर चाहिए तुमको तो उनसे मतलब बात कर सकते हो, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर डाल दूंगा और तुम कांटेक्ट कर सकते हो। जिन लोगों को भी सीट मिल गया है, जहाँ भी मिला है तुमको, जो भी कॉलेज मिला है, तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। और जो बिहार वेटनरी कॉलेज में एडमिशन लिए, जो भी बच्चे बिहार वेटनरी कॉलेज में एडमिशन लिए, तो मैसेज कर रहे हैं कि भैया क्लास कब से स्टार्ट होगी। तो क्लास देखो, क्लास तुम्हारा जब भी स्टार्ट होगा, तुमको, तुम एडमिशन ले लिए हो, तुम्हारा सब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह डिपॉजिट हो गया, तो तुम टेंशन बिल्कुल मत लो, ये आगे का काम कॉलेज का है, तुमको कैसे कॉन्टैक्ट करना वो कॉलेज का काम है, तुमको टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। वो व्हाट्सएप जो है, व्हाट्सएप पे तुमको मैसेज आ जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप बनता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में तुम्हें ऐड कर दिया जाएगा, वहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिलता रहेगा। और फिर भी अगर नहीं कुछ पता चलता है, नहीं इन्फॉर्मेशन तुम्हें तो हुई है ना, तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी मैं DM कर सकते हो, या फिर कॉमेंट में अपना तुम जो भी क्वेरी है तो तुम वहाँ पर भी टाइप कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पर मुझे सिंपली DM कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो के लिए, ठीक है। और तो आप लोग का बहुत मतलब, तुम लोग जो भी हो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, अच्छी, मुझे काफ़ी खुशी हुई है मुझे। और मैं बहुत सारा और भी मेरे मतलब चीज़ें हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं जिसपे मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ, बट मेरा भी कॉलेज का वो फाइनल एग्ज़ाम चल रहा है, इसके वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा ज़्यादा, तो नहीं बना पा रहा हूँ, थोड़ा लेट हो जा रहा है।
ठीक है, तो तुम लोग ऐसा नहीं कि हाँ भाग जाना, अब काम हो गया भाग जा रहे हैं, तो मैं वापस से काफ़ी चीज़ें हैं जो भी बच्चे जो कॉलेज ले लिए उनके लिए भी, और जो अगर किसी कारण उनको कम नंबर है नहीं रह मिल पाया कॉलेज, तो तुम लोग डिमोटिवेट बिल्कुल मत हो, ठीक है, और ट्राई कर सकते हो, अच्छा नेक्स्ट ईयर तुम्हों को और अच्छा चीज़ और अच्छा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। तो सबके लिए मैं है ना वीडियो मतलब बनाऊँगा मैं, और बहुत सारी टॉपिक है जिसपे मैं वीडियो बनाता रहूँगा, तो तुम लोग मेरे चैनल पे बने रहो, ठीक है, और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो तू, ठीक है। वीडियो सब देखने के लिए तो हम लोग का बहुत बहुत शुक्रिया।